आई थिंक तुम भूल गए मिस्टर अनिरुद्ध, कल कॉल पे बताया था तुम्हें कि ऑपरेशन से पहले एक बॉन्ड साइन करना होता है। मैं साइन कर सकता हूँ क्या? किस हक से? जिस हक से मैं कोलकाता से मुंबई आया। हाँ, मैं वही पूछना चाहता हूँ, वो कौन सा हक है? और तुम किस हक से साइन करोगे? दोस्त तो मैं जनक का, मैं रिश्तेदार। सही है यार, ये बड़ा ही सेफ वर्ड है ना, रिश्तेदार। खैर, ये सही वक्त नहीं है बहस करने का। साइन करना चाहते हो ना तुम, कर लो साइन। लेकिन एक बात याद रखना, साइन करने के बाद में अफसोस मत करना। क्यों अफसोस करूंगा मैं? क्या तुम भूल गए हो जनक इतनी बड़ी न्यूज़ देने के लिए कोलकाता आई थी और तुमने क्या रिएक्शन दिया? सबके सामने उसकी बेइज्जती की, उसे सामने क्या क्या नहीं बोला तुमने? ये ना मेरे और जनक के बीच की बात है, मैं किसी तीसरे के साथ वो बातें शेयर नहीं करना चाहता। ओके, तुम शेयर नहीं करना चाहते? तुम हो कौन यार? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? छोड़ो यार, जाने दो। सब जनक का ऑपरेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे जिस बॉडी के हिस्से में ट्यूमर हुआ है ना, वो लोकेशन बहुत डेंजरस है। डॉक्टर को बहुत ही संभल कर ऑपरेट करना होगा। अगर जरा भी इधर से उधर हुआ ना, तो उसके लिए जीने या मरने के हालात बन सकते हैं। अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जैसे जाओ, हम शाम को मिल रहे हैं। मैं एकदम ठीक हो जाऊँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच। गणपति बाप्पा मोरिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर आए हैं स्टार प्लस के मशहूर शो झनक के अगले एपिसोड की एक नई दिलचस्प और भावुक झलकियों के पास। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि झनक की हालत अचानक से बिगड़ जाती है। जब आदित्य कपूर को पता चलता है कि झनक की तबीयत बहुत खराब है, तो वो तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में झनक बहुत ही परेशान और भावुक हो जाती है। झनक को डर लगता है कि कहीं उसे कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए और उसके बच्चे को बिना माँ के रहना पड़े। जनक आदित्य से कहती है कि अगर कभी भी भविष्य में उसे कुछ हो जाए, तो वो आदित्य उससे वादा करे कि वो उसके बच्चे का ख्याल रखेगा। जनक चाहती है कि उसका बच्चा एक अच्छी जिंदगी जिए और आदित्य उसे सब कुछ सच बता दे। आदित्य जनक को भरोसा दिलाता है कि वो उसे बहुत ही प्यार करेगा और उसके बच्चे को अपना नाम भी देगा। लेकिन इस कठिन समय में जनक आदित्य को बताती है कि वो अनिरुद्ध से प्यार करती है। आदित्य इस बात से बेहद परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता झनक की सेहत है। अब डॉक्टर से बात करने के बाद झनक को पता चलता है कि उसे प्रेगनेंसी टेस्ट में झूठा पॉजिटिव रिजल्ट मिला हो सकता है। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि जनक प्रेग्नेंट है और वो एक बार फिर से चेकअप करवाए। जनक को इस बात पर झटका लगता है और उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। अब आपको जानना होगा कि आखिरकार झनक की बीमारी क्या है और क्या वो सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। इस रहस्य को जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहना होगा झनक का लेटेस्ट एपिसोड। तो दोस्तों, आपको ये अपडेट कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।